अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि खैर खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज अपने व्लॉग का करते हैं आगाज़। हमारे साथ मौजूद रहेगा, आप देख रहे हैं हमजा गौरी व्लॉग। तो स्टार्ट करते हैं अपना व्लॉग सबसे पहले मज़ेदार। आज आपको इंशाल्लाह ज़रूर पसंद आएगा व्लॉग। इधर बात करते हैं, हमारा सील मुर्गा जो है माशाल्लाह बहुत ही अच्छा है, और इसकी कीलें आगे टूटी हुई हैं पाँव की, अगर कोई देख रहा है तो। ठीक है दोस्तों, ये देखें अभी दो मुर्गियाँ भी साथ में खड़ी हुई हैं माशाल्लाह। आज का रिव्यू भी बहुत ही कमाल का रिव्यू है। शाम का टाइम है और सूरज भी माशाल्लाह आज फुल ज़्यादा, मतलब गर्मी पड़ी थी तो रात को ठंड हो गई इतनी ज़्यादा। और इधर बात करते हैं बकरियों की, चाचू लियास की बकरियां बंधी हैं। तीकू रहमान का शौक है ये बकरियां जो हैं वो बच्चे नुकसान कर रहे हैं, और तीकू रहमान भागा हुआ जा रहा है बच्चों को पकड़ने के लिए। वो अभी मोड़ कर लेकर आ रहा है बच्चे। तब तक बता दें कि यह बकरी भी आई, इसके बच्चे तंग कर रहे थे तो इसलिए ये इन्होंने थैला बांधा हुआ है। ये बकरी भी आई है, तीन बच्चे लेकर आई है दोस्तों। अभी पट्टे डाले हैं, थोड़ी देर पहले चराने के लिए लेकर गए हुए थे, और ये एक बकरी माशाल्लाह न्यू लेकर आए थे। अभी तीकू रहमान बच्चे मोड़ने के लिए गया हुआ है। तीकू रहमान ने कबूतर भी माशाल्लाह जंगली रखे हुए देख सकते हैं आप लोग दोस्तों। ये अभी तीकू रहमान आ गए, क्या हाल है तीको? सब अपना मान है। बच्चे किधर मोड़ गए बकरी दे? उस मोड़ गए थे। किस में? उस हवा के दाव उतरिया। ते चाचा ने पता लगा फिर? दोस्तों तीको रहमान का माशाल्लाह शौक चेक करवाएं। ये माशाल्लाह तीको रहमान का शौक है माशाल्लाह। बच्चे बहुत अच्छे हैं बकरियों के, आप लोग देख सकते हैं। अभी चाचू लियास डूंगे जाने की तैयारी कर रहे हैं। थोड़ा चाचा फिर डूंगे जा रहे हैं दोस्तों। चाचू अभी डूंगे जा रहे हैं, और एक और मुर्गे के बच्चे माशाल्लाह। दोस्तों ये बेर झाड़ का आने का तरीका चेक करें तीकू रहमान का। माशाल्लाह माशाल्लाह बेर काफ़ी अच्छे ऊपर झड़का रहे हैं, आप लोग देख सकते हैं। अगर दोस्तों आपने खाने तो आप भी आ जाइएगा, आप बेर खा लें। अभी विज़िट करवाते हैं माजू भाई बैठे, वो दूध निकाल रहा है दोस्तों। तो इधर हमारी बंदी हुई खोती, यह डोंकी भी कहती हैं, और इसकी खुरानी हमने सेट नहीं करवाई क्योंकि जितनी दफ़ा सेट करवाते हैं उतनी दफ़ा ये तोड़ देती है। ये अभी पट्ठे इसको डाले हुए हैं, कुछ आधे नीचे गिरे हुए आधे ऊपर। एक्टिंग भी कर रही दोस्तों ये, और चल से आ गए आप लोगों। ये रस्से बहुत तोड़ती है, अभी भी थोड़ा सा अटका हुआ रस्सा। ये इधर सैफ रहमान की पैसे बंदी में दोस्तों, और ये इधर पट्ठों के लिए इन्होंने पेट लगाए हुए हैं। ये हमारी आ गई रेड़ी, और रेड़ी के साथ ही ये बकरियों के बाड़े हैं, तीन बाड़े हैं बकरियों के, इसके अंदर करेंगे गर्मियों में। और इधर बात करते हैं कबूतरों, कबूतर फिलहाल बाहर चले गए, पट्टियाँ खाली पड़ी हुई हैं। ये इधर हमारे पट्ठों का मतलब पीटर लगा हुआ है, और उसके साथ ये हमारी पुरानी खुरानियाँ पड़ी हुई हैं दोस्तों, बहुत ही पुरानी खुरानी है। ये ओल्ड हिस्ट्री हमारी जो है ना वो याददाश्त के लिए हमने रखी हुई इधर। और अभी काजल का दूध निकाल लिया माजू भाई ने, अब बड़ी भैंस की बारी है मुझे लग रहा है शायद। और ये हमारी माशाल्लाह भैंसे हैं, ये आप लोग चेक कर सकते हैं दोस्तों। अभी इस भैंस की बारी है दूध निकालने के लिए, और इकराश भाई फटाफट से बाड़े के अंदर चले गए हैं, बकरियों को पट्ठे ला रहे थे। अभी क्रास है जी। बकरी कौन कौन सी ब्याह गई? एक ये ब्याह गई है और एक ये। कितने कितने बच्चे दिए? दो दो। इसके बकरी बकरे हैं या बकरा बकरा? इसके दो बकरे, एक बकरे, एक बकरी और एक बकरा, उसकी भी एक बकरी और एक बकरा, मतलब सेम ही बच्चे दिए, एक बकरी और एक बकरा, एक बकरा और एक बकरी। अभी काली काली बकरी भी आने में कितने दिन है? बस तकरीबन 15 दिन है। 15 दिन बाकी हैं जी। चलो दोस्तों
जब काली बकरी भी आएगी इसकी बहुत ज़्यादा हमें उम्मीद है ब्याने की, अच्छा बच्चा लेकर आए। आप लोगों को भी शौक करवाएं अच्छे बच्चे का, बच्चों के लिए अलहदा वाड़ा बना दिया मैंने। अच्छा ये भी गुड न्यूज़ है दोस्तों, एक और गुड न्यूज़ है कि बकरियों के बच्चों के लिए अलहदा वाड़ा बना दिया, क्योंकि पिछली वीडियो में आप लोगों ने देखा था ये जगह हमारी बिल्कुल खाली थी। यमन यमन तो देख सकते हैं सेंटर में डंडा बांधा हुआ है, इसके ऊपर इनके लिए पट्टे डाले हुए हैं। और इधर बात कर लेते हैं हमारी मुर्गियों की, मुर्गियाँ इंजॉय कर रही हैं, चारों का कलर एक जैसा है और खड़ी आपस में लग रहा है गुफ्तगू कर रही हैं दोस्तों। तो माशाल्लाह पिंड पंजाब के नज़ारे आप लोग चेक कर सकते हैं, और माशाल्लाह मौसम आज बहुत साफ़ है आप लोग देख सकते हैं। अभी केज में चेक करते हैं मुर्गी ने अंडा दिया है या नहीं, ये हमारा मुर्गा है बड़े वाला, और ये रात को इधर बकरियों को ढकते हैं इस वाले केज में, बकरियों के लिए स्पेशल बनाया हुआ है गार्ड रोटी यार काने वगैरह शादी है दोस्तों। अभी इस केज की बात कर लेते हैं, इसमें कोई अंडा है या नहीं है, पिछली दफ़ा था अल्लाह करे इस दफ़ा भी हो, इसमें तो नहीं है। अब्दुल रहमान या फटी टा यार इसमें देखा, इस वाले केज में भी चेक करते हैं, मुर्गी बैठी हुई सेवे पर दोस्तों। जब ये बच्चे लेकर आएंगे आप लोगों को इसके बेबी भी दिखाएंगे, दूसरी बकरी के बेबी भी चेक करवाते हैं दोस्तों, जो बाढ़ छोटे बाड़े में आप लोगों को बच्चे चेक करवाए हैं वो भी, और दूसरी बकरी के भी बेबी आप लोगों को चेक करवाते हैं। माशा चेक कर सकते हैं, कितने दिन के हो गए करा से, तकरीबन ये चार दिन के हो गए हैं माशा, चार पाँच दिन के हो गए हैं ये, और बहुत ही प्यारे मतलब। और एक और दोस्तों गुड न्यूज़ आप लोगों को बताते चलें, इधर कबूतरों ने ना लीकड़े इकट्ठे करने शुरू कर दिए हैं बच्चे निकालने के लिए, क्योंकि आगे सीज़न आ रहा है इनका, ये आगे बच्चे वगैरह निकालते रहा करेंगे, आप लोगों को ये भी दिखा देंगे। तो अभी माजू भाई अभी दूध निकाल रहे हैं जी, और माशाल्लाह कबूतर आप लोग देख सकते हैं जोड़ी उधर से उड़कर बाहर आ गई है माशाल्लाह। ठीक है दोस्तों, तो हमज़ा गौरी को दे दीजिएगा इजाज़त, अपना फुल ख्याल रखिएगा। अगर हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और साथ में दिए गए बेल के बटन को ज़रूर प्रेस करें। ठीक है दोस्तों, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, हमज़ा गौरी को दे दीजिए इजाज़त, नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़।